यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सबके जिंदगी में एक और मौका दिया ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से हम कुछ बातें सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। आपका वचन बताता है साम 118 वर्स 18, प्रभु यीशु उसके वचन संहिता 119 और 18 के अनुसार प्रभु हमारे आत्मिक आंखें खोलिए प्रभु, ताकि वचन की अद्भुत बातों को हम देख सके, आपका भेद को हम समझ सके, आपके प्रकाशन में हम चल सके प्रभु, आपकी आशीषों का वारिस बन सके प्रभु, एक भरपूर मसीह जीवन बिता सके, मसीह का देह उन्नति करे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है ट्रेजर्स ऑफ द वर्ड, वचन की खजाना, वचन का निधि, उसमें से हम कुछ मोती हीरे जैसे समुन्द्र में मिलता है, ऐसे हम कुछ बातें आज सीखने जा रहे हैं। एक स्पेशल सीरीज है। मैं एक दिन ऐसे ही बाइबल स्टडी कर रही थी, अध्ययन कर रही थी, उस समय मुझे कुछ वचन मुझे छुआ और फिर एक दो वचन को पढ़ते पढ़ते मैंने ये देखा कि ये सेम चैप्टर्स, चैप्टर 5 और स्क्रिप्चर 20, ऐसे 5:20, ये इस तरह से मैंने दो तीन वचन देखने के बाद मुझे अचानक एक ऐसे फ्लैश जैसे हुआ कि ये एक पैटर्न जैसा बन रहा है, मैं खोजती हूँ। फिर देखा तो पूरा बाइबल मैं एक एक किताब में ढूंढने लगी, क्या ये वचन मेरे लिए रेलेवेंट है क्या, ऐसे ऐसे करते करते मैं निकाल के देखा पूरा 34 स्क्रिप्चर्स ऐसे कुछ निकला है जो मेरे लिए बहुत लाभदायक है। तो फिर मैं 34 तो अभी नहीं बता सकूंगी, लेकिन मैंने उसमें से सिर्फ 7 स्क्रिप्चर्स उठाया आपके लिए कि ताकि कुछ समय मैं उस स्क्रिप्चर्स को, वचन को आपको सामने पेश कर सकूं और फिर उसका मतलब आपको समझा सकूं। और फिर आप सोच, पहले मैंने संख्या 40 के ऊपर एपिसोड बनाया है, उसका समवॉट सिमिलर है ये 520 सीरीज बोल सकते हैं। मैंने लेकिन ये टाइटल इसलिए जानबूझ के नहीं रखा कि मैंने सोचा ये क्या नंबर्स के बारे में ऐसे ऐसे सिखाती रहती, मैंने जो अनुभव किया वही मैं आपको सिखा रही हूँ। ये 520 सीरीज है, ये 520 अभी आप पूरा सरमन सुनने के बाद आपको ये वचन मेमोराइज करने के लिए, मतलब याद करने के लिए बहुत आपको उपयोग होगा। कैसे आजकल हम देखते हैं एंड ऑफ द डे व्हाट एवर यू डू, आप जो कुछ करते हैं कि व्हाट आर द टेक अवेज बोलते हैं ना, टेक अवेज मतलब हम अपने साथ में क्या लेके जा रहे हैं, ये हमें बहुत मायने रखता है। तो द टेक अवेज ये है कि आप कभी भी एक 520 याद करोगे, आप फलाना वचन करके एकदम से आपको याद हो जाएगा। और वचन हम याद करेंगे जैसे दाऊद कहता है, मैं तेरे वचन को अपने दिल के पट्टी में लिखता हूं ताकि मैं तेरे विरुद्ध गुनाह ना करूं। तो जितना हम वचन अपने दिल में, अपने जीवन में, अपने सिस्टम में फिट करेंगे तो उतना ही हमारे लिए फायदा होता है ना। सो दिस इज वन वे ऑफ मेमोराइजिंग द स्क्रिप्चर्स, वन वे ऑफ हाइडिंग द वर्ड इन योर हार्ट, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। और 3 महीने ओल्ड टेस्टामेंट से लिया है, पुराना नियम से 3 वचन लिया है और नया नियम से 4 वचन केवल लिया है। अब ये सरमन, ये प्रोग्राम आपको फिनिश होते ही
आप सीख जाएंगे सेवन स्क्रिप्चर्स, आप अच्छा सा ध्यान से सुनेंगे, तो ये सात वचन आप बाइबल में से सीख चुके हैं। कभी भी आपको कोई ये वचन कोट करेंगे तो आपको तुरंत वो वचन याद आ जाएगी, ये वचन में ये लिखा है। इस तरह से हम क्या करते हैं, वचन को लर्न करते हैं। हालेलुया। सो बेसिकली आई एम टीचर, आई वाज टीचिंग सम अदर थिंग्स प्रीवियसली, बट नाउ आई एम ए बाइबल टीचर, एंड एज लॉन्ग एज यू आर व्यूइंग माई एपिसोड्स, आई वॉन्ट यू टू लर्न द स्क्रिप्चर्स, लर्न द वर्ड ऑफ गॉड एंड अप्लाई टू योर लाइफ्स। हालेलुया। जल्दी से हम देखते हैं कि 520 सीरीज, सबसे पहले न्यायियों का किताब, न्यायियों का किताब 5 अध्याय 20वां पद मैं पढ़ रही हूँ। आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई है, वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सिसरा से लड़ाई की। हालेलुया। आकाश के ओर से भी लड़ाई हुआ, यहाँ पे पृथ्वी में भी लड़ाई हो रही है और आकाश में भी लड़ाई हो रहे। आप पूछ सकते हैं क्या हो रहे हैं ये, इसका मतलब क्या है कि गॉड इज फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ इसराइलाइट्स। हालेलुया। इसराइलियों की तरह परमेश्वर युद्ध लड़ रहे हैं। हालेलुया। और पहले हमने एक्सोडस में निर्गमन में किताब में देखा है किस तरह से फैरो और उनकी सेना एक तरफ है और इसराइलियों और यहोवा एक तरफ है, कितना लाल समुंदर क्यों ना हो, इनके पास कितना सारे घोड़े और रथे कुछ भी हो, कितना सेना भी क्यों ना हो, कितना वेपन्स क्यों ना हो, वो सारे किस तरह से परमेश्वर ने बेअसर कर दिया हम जानते हैं। उसी तरह यहाँ पे जजेस में भी, न्यायों का किताब में, बराक को देबरा ने प्रोत्साहित किया और बोला आपको परमेश्वर ने क्या भविष्यवाणी किया, आपको याद नहीं है, आप इस शत्रु से क्यों डर रहे हैं, चलो आप लड़ो, मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। सो डेबरा वॉज मोटिवेटिंग बराक एंड दे गैदर्ड द आर्मी ऑफ इसराइल। जितना उनके पास सेना था, थोड़ा सा ही था, मगर जितना भी था वो लेके वो लड़ने के लिए चले गया। लेकिन वहां पे देखते हैं दूसरी तरफ शत्रु बहुत ताकतवर है, जाबिन करके किंग था, राजा था, और उसका कप्तान जो सिसरा है वो और भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसके पास बाइबल बताता है, वी नॉट गोइंग इनटू एवरी डिटेल बट माय समरी, उसका उसका जो संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ, 900 आयर्न चैरियट्स, लोहे का 900 उनके पास रथ थे और उसका रेस हॉर्सेस होते हैं। इस तरह से बहुत सारा ताकतवर सेना था और इसराइल को उनके सामना करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन परमेश्वर ने, गॉड इंटरवीन्ड सुपरनैचुरली, अलौकिक तरीके से परमेश्वर ने युद्ध लड़ा। और फिर वहां पे जो नदी है, रिवर कीशोन, कीशोन करके एक नदी था, और उसको स्वेल कर दिया, मतलब पानी ऐसे बरस रहे थे, इतना बरस रहे थे कि वो नदी ऐसे बहुत पानी निकाल रहे हैं। और फिर वहां पूरा उस जगह को परमेश्वर ने कीचड़ कीचड़ करवा दिया, और फिर इनका घोड़े का जो पहिए हैं वो भी शायद कीचड़ में फंस गया, और इनके घोड़े हैं उनके पैर भी शायद कीचड़ में फंस गया। और फिर वो पहाड़ी इलाका था तो फिर वो चलना भी उनको मुश्किल हो रहा होगा बहुत ज्यादा, उनके पास इतना घोड़े होने के बाद, इनके रथ होने के बाद, इतना सेना होने के बावजूद भी वो रथ को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के सिसरा को पैर से भागना पड़ा। इस तरह से परमेश्वर इसराइलियों की तरह युद्ध लड़ रहे थे और उनका जो सारा, उनका जो अस्त्र शस्त्र सेना सब कुछ ऐसे बेअसर करके इसराइल को बहुत बड़ी विजय दिया, पूरी तरह से विजय दिया दिलाया, ताकि जो नामुमकिन था। और फिर स्वर्ग से, जजेस चैप्टर 5 वर्स 20, न्यायियों का 5 और 20 में देखता, आकाश से भी लड़ाई हुआ,
और तारों ने अपने मंड अपने अपने मंडल से सिसरा से लड़ाई किया, यानी कि आसमान में जो स्वर्गीय स्थानों में जो सितारों में को जो स्वर्गदूत रहते हैं परमेश्वर की ओर से हैं, वो आके भी सिसरा से लड़ाई किया, शत्रु से लड़ाई किया, इसराइली के तरफ से लड़ाई किया। तो ये हम इस वचन से क्या सीखते हैं, व्हेन यू सी जजेस चैप्टर 5 वर्स 20, हाउ डज इट अप्लाई इन आवर लाइफ्स। हम विश्वास सकते हैं गॉड विल फाइट योर बैटल्स। आप किस तरह से परिस्थिति, किस तरह से संघर्ष, किस तरह से यह बहुत बड़ी कर्जा हो, कुछ भी लड़ाई क्यों ना हो, आप विश्वास कीजिए, आप प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रार्थना कीजिए। जितने हथियार हमें दिया है, वचन और आराधना और रोटी तोड़ना, संगति रखना, बहुत सारी जो हमें आत्मिक हथियार दिया, वो सारे लेके हम परमेश्वर भरोसा रख गिड़गिड़ाए, परमेश्वर आपको सुपर नेचुरली उस लड़ाई में जीत देगा। गॉड विल फाइट योर बैटल्स एंड ही विल गिव यू विक्ट्री विच इज अदरवाइज इम्पॉसिबल। हालेलुया, ये हम सीखते हैं। दूसरा वचन, दूसरा सैमुएल 5 और 20, यहां भी एक और लड़ाई है, दाऊद और फिलिस्तियों के बीच में। दाऊद हमेशा परमेश्वर से पूछताछ करता था, प्रभु क्या मैं इनके पीछे चलूं, मुझे विजय मिलेगा, आप मेरे साथ खड़े रहेगा। हमेशा पूछताछ करके, प्रार्थना करके, परमेश्वर का चिन्ह और वो वचन लेके अपने साथ फिर लड़ाई में जाता था। ऐसे ही यहाँ पे फिलिस्तियों को ऐसे मार गिराया, ऐसे मार गिराया। 2 सैमुएल 5:20, 2 सैमुएल 5:20, तब दाऊद बाल परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वही मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है, इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल परासिम रखा। हालेलुया, बाल परासिम का मतलब है ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का मतलब है एग्जैक्टली मुझे जो समझ में आता है, शैतान हमें युद्ध लड़ने के समय हमारे सामने कुछ रुकावटें डाल है कि ताकि हम आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन यहाँ पे दाऊद कहता है कि ऐसे टूट पड़ा मैं शत्रु के ऊपर, सारी रुकावटें परमेश्वर ने हटा दी और मेरे लिए रास्ता साफ कर दिया, और फिर मैं ऐसे पानी के बहाव की तरह शत्रु के ऊपर मैं और मेरा सेना जाके ऐसे मार गिराया धारा के समान। जैसे आपने देखा का वॉटरफॉल, इतना बड़ा तेजी से पानी ऊपर से गिरता है वॉटरफॉल, ऐसे शत्रु को मैंने ऐसे मार गिराया। और फिर इस स्थान को भी उस नाम रखा है बाल परासीम, यानी कि ब्रेक थ्रू। सो गॉड इज ए गॉड ऑफ ब्रेक थ्रू। आपको कुछ लगता है मैं आगे नहीं बढ़ पा रही, किसी वजह से कुछ रुकावटें हैं जो मुझे उस पार नहीं कर पा रहा, नदी के इस पार से उस पार जा नहीं पा रहा, तो गॉड भी इज अ गॉड ऑफ ब्रेक थ्रू, गॉड इज अ गॉड ऑफ बाल परासीम। जैसे दाऊद को फिलिस्तियों के ऊपर ब्रेक थ्रू दिया, आपके जीवन में भी, आपका परिस्थिति में भी ब्रेक थ्रू देने वाला परमेश्वर, ये हम सीखते हैं। फिर हम तीसरा वचन में आते हैं, यशया 5:20, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाला को अंधियारा ठहराते, और कड़वे को मीठा, मीठे को कड़वा करके मानते हैं। पता है सब कुछ परिस्थिति सेम हो सकता है, ये लेकिन वो देखने का नजरिया अलग हो सकता है कि दुनिया किस नजर से देखता है, हम किस नजर से देखता है, और परमेश्वर हमसे चाहता है वचन की आईने से आपको हर चीज देखो, पवित्र आत्मा का आईने से
आप हर चीज को देखो, दुनिया के आईने से मत देखो। इफ यू कॉल योर सेल्फ अ बिलीवर, गॉड एक्सपेक्ट्स अस टू सी फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड पॉइंट ऑफ व्यू, उनके वचन के नजरिए से देखना है, यीशु मसीह के आंखें से देखना है। हालेलुया। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं देख रहा है, तभी वो कह रहे हैं ये बुरे को भला कहता है और भला को बुरे कहता है, और कड़वा को मीठा कहता है और मीठा को कड़वा कहता है, अंधियारा को उजाला कहता है और उजाला को अंधेरा कहता है। एवरीथिंग दे आर सीइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, बट गॉड इज नॉट ए गॉड ऑफ नेगेटिविटी। ही इवन इन ए वर्स्ट सिचुएशन यू हैव टू सी समथिंग विच गॉड फेवर्ड, किसी न किसी वजह से कुछ आपको उसमें से छोटा सा बादल, जैसे एलिया को छोटा सा बादल नजर आया और वो बादल बड़े होके बहुत बड़ी बारिश को पैदा किया। ऐसे ही हमको वी हैव टू होप अगेंस्ट ऑल होप, बट दिस वर्ल्ड इज वेरी नेगेटिव एंड दे स्पीक नेगेटिव, दे थिंक नेगेटिव एंड दे डीमोटिवेट अदर्स, बट यू आर अबव ऑल दिस नेगेटिविटी। हालेलुया। ये मैं सीखती हूँ कि दुनिया कितना भी नेगेटिव हो, हमको नेगेटिव नहीं होना है। कोलोसियों 1:27, Colossians 1:27, जीसस इज द होप ऑफ ग्लोरी। हालेलुया। वो महिमा का आशा है। हालेलुया। अब 3 वचन मैंने पुराना नियम में फिनिश किया, अब नया नियम में जल्दी से आते हैं। मत्ती 5:20, उसमें लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाओगे। यीशु मसीह सिखा रहे हैं धार्मिकता को नहीं फॉलो करते, एक धर्म जैसे फॉलो करते, मगर वो उसको फैरिसी और सदूसी बोलते हैं। उनकी धार्मिकता से बढ़कर अगर थोड़ा सा भी आपकी धार्मिकता नहीं दिखाई दिया तो आप मेरे राज्य के लिए लायक नहीं है। एक पास्टर का भी प्रचार करते मैंने सुना, एक अचार बनाने वाला एक बीज होता है, उसको इतना ऊंचा उछालते हैं, कम से कम थोड़ा सा ऊंचे उछलना है, नहीं है तो उसको रिजेक्ट करते हैं और उसका अचार बनने के लिए नहीं लेते हैं। तो द सीड्स आर फॉलिंग दिस साइड और दिस साइड, मतलब कहने का मतलब है, ठीक है वी कांट बी 100% परफेक्ट, बट एटलीस्ट देर शुड बी सम स्टैंडर्ड अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ दिस पीपल। फैरिसी सड्यूसी से बढ़कर थोड़ा बहुत आपका धार्मिकता नजर नहीं आ रहे तो फिर मेरे अपने आप को विश्वासी मत कहो, फिर मेरा नाम बेइज्जती होता है। ये परमेश्वर समझा रहे। फिर यूहन्ना 5:20, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वो आप करता है वो सब उसे दिखाता है, और वो इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंबा करो। तो यीशु मसीह बोल रहे हैं जो पिता के इच्छा के बिना, उसका सलाह के बिना, उसका सुनाने का दिखाने का चीज के अलावा मैं कुछ भी नहीं करता। आई डू नथिंग एल्स एक्सेप्ट वॉट आई सी माई फादर डू, एक्सेप्ट वॉट आई हियर माई फादर से, वो ही मैं करता हूं। तो हम भी यीशु मसीह के पद चिन्हों में चलना है, यीशु मसीह का लाइफस्टाइल को अनुकरण करना है। हालेलुया। यही हमें यीशु मसीह सिखा रहे, जे मेरा पिता का देख के मैं करता हूं तो मुझे देख के आपको करना है। पौलुस भी कहता है 1 कुरिन्थियों 11:1 में, मैं यीशु का नकल करता हूँ, आप मेरा नकल अब करो। ऐसे ही हमको यीशु मसीह का नकल करना है, जैसे यीशु मसीह अपनी अपना पिता का नकल कर रहे हैं। हालेलुया। फिर नेक्स्ट वचन में आते हैं, रोमियो 5:20, व्यवस्था के बीच में आ गए कि अपराध बहुत हो परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। ये मुझे बहुत खुशी मिलता है वचन पढ़ के, जहां पाप बहुत होता है उससे बढ़कर अनुग्रह भी होता है।
यानी कि कहने का मतलब है, डोंट बी डिस्करेज व्हेन यू सी द सिन हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जहां पे पाप बढ़ रहे हैं वहां अनुग्रह भी और बहुतायत से बढ़ रहे हैं। एक पाप के वजह से पूरा मृत्यु इस पृथ्वी में आया है, तो एक यीशु मसीह के द्वारा जीवन और कितना सामर्थी हो सकता है। 1 Corinthians 15:45, जीसस क्राइस्ट द लास्ट एडम इज द लाइफ गिविंग स्पिरिट। पहला आदम के द्वारा मृत्यु आया पूरा मानव जाति को, और फिर आखिरी आदम के द्वारा जीवन आया, तो वो सामर्थी है कि पाप सामर्थी है। वी कैन नॉट मैग्निफाई डेविल, वी हैव टू मैग्निफाई आवर जीसस, ही इज मोर पावरफुल। इसलिए जहां पाप है वहां अनुग्रह भी बहुत आय से बढ़ेगा, बढ़ रहे हैं। हालेलुया। और लास्ट में याकूब 5:20, तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। सो इफ यू सेव वन सिनर, एक पापी को मृत्यु से बचाएगा, उनका मन फिरने का कारण बनेगा, तो उसका पाप तो कितने सारे पाप तो माफ किया जाएगा, और साथ में जिसने लाया उनको बचाने के कारण बन गया वो भी बहुत आशीष पाएगा। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है एक पापी भी मन फिराता है तो पूरा स्वर्ग जो है खुशी मनाता है। मरकुस 8 में लिखा है, व्हाट इज द ग्रेट आइडिया इफ यू हैव द होल वर्ल्ड एंड फॉरफिट योर ओन सोल। पूरा दुनिया को प्राप्त करके अपना आत्मा अगर खो दिया तो ये कोई दुर्भाग्य व्यक्ति है। क्योंकि अगर आपके पास दुनिया की कुछ भी नहीं है लेकिन अगर आपका आत्मा बच गया तो आपके पास सब कुछ है। अगर आप पूरा दुनिया को प्राप्त करके अपना आत्मा खो दिया तो आपके पास कुछ भी नहीं। यू नो द वन सोल का वैल्यू कितना है? पूरा दुनिया है। इसलिए हम अगर आत्मा बचा रहे हैं तो वी आर द मोस्ट वेल्दी पीपल ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। ये समझ लो आप सबसे धनी व्यक्ति हैं, और उनका पाप तो क्षमा हो जाएगा, साथ में आपको भी प्रभु अनुग्रह देगा। हालेलुया। तो इस तरह से हमने अभी 7 स्क्रिप्चर्स सीखा है। सबसे पहले जजेस 5:20, न्यायों का किताब 5:20 में देखा है किस तरह से परमेश्वर हमारी तरह से युद्ध लड़ के अलौकिक तरीके से हमें जीत दिलाता है। और दूसरा सैमुअल 5:20 में हमने देखा है किस तरह से तमाम रुकावटें निकाल करके, तमाम रुकावटें हटा करके हमें आगे बढ़ने का और शत्रु को पूरी तरह से नष्ट करने का, ब्रेक थ्रू देने का काम हमारा परमेश्वर करता है। तीसरा, मैं यशायाह 5:20 में देखा किस तरह से दुनिया के नजर कितना नेगेटिव होता है, वो अच्छा को बुरा बोलते हैं, बुरा को अच्छा बोलते हैं, कड़वा को मीठा बोलते हैं, मीठा को कड़वा बोलते हैं, अंधेरे को उजाले बोलते हैं, उजाले को अंधेरे बोलते हैं, टोटली नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं। बट वी शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। एटीट्यूड थ्रू द होली स्पिरिट। हालेलुया। ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड को हमको डेवलप करना है। दुनिया के भले विपरीत क्यों ना हो, हम दुनिया के सोच के खिलाफ हम संघर्ष करना पड़ता है, मगर कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा इसलिए हमें मदद के लिए दिया गया है। और फिर हम फोर्थ पॉइंट हम देख रहे हैं मत्ती 5:20 में कैसे फारसी और सादियों से एक रिलीजियस लीडर्स
और उनसे रिलीजियस लोग, उनसे बढ़कर अगर हमारी धार्मिकता थोड़ा सा भी बढ़कर अगर हमारे जीवन नहीं दिखता, तो फिर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल ही है। और फिर उसके बाद हमने देखा यूहन्ना 5:20, उसमें लिखा है, जैसे पिता का करते देखता हूँ, जैसे पिता का वचन मैं सुनता हूँ, वैसे ही मैं पूरा करता हूँ। तो आप भी मेरे बात को सुनो, मेरे करते हुए देखो और वैसे ही करो। ऐसे पौलुस की तरह मैं यीशु का नकल करता हूँ, तुम भी मेरा नकल करो। और फिर हमने देखा रोमन्स 5:20, जहां पे पाप बहुत आयत है वहां अनुग्रह भी और भी बहुत आयत है। एक आदमी के द्वारा मृत्यु आया पूरा मानव जन जाति के द्वारा, और आखिरी आदम यीशु मसीह के द्वारा और कितना जीवन आना है, कितना आशीष आना है, कितना अनुग्रह आना है। हाउ मच द जीसस इज मोर पावरफुल दैन सेटन। इफ सेटन इज मेकिंग पीपल सिन एंड गेट इन टू डार्कनेस, आवर जीसस इज मच मच मोर पावरफुल एंड ग्रेसफुल। हालेलुया। और फिर आखिर में याकूब 5:20 में देखा है, एक भी आत्मा जो बचाते हैं वो बहुत सारे पाप से, मृत्यु से उस व्यक्ति को छुटकारा दिलाता है, पूरा स्वर्ग खुशी मनाता है। इसलिए कि वो सबसे बड़ा वेल्दी पर्सन है, वेल्दी धनी व्यक्ति है। तो इसलिए हमें नाश होने वाला आत्माओं को कैसे भी बचाना हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। ये यीशु मसीह में बोला, मैंने नहीं बोला। और दानियल 12:3 में लिखा है, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो सितारे नाए चमकेंगे, ऐसे लिखा है। तो क्या आप सितारे के नाए चमकना चाहते हैं, तो आपको नाश होने वाला आत्मा को कैसे भी बचाने का काम करना है, यीशु मसीह का प्रिय जन बनना। हालेलुया। तो इस तरह से हम अपने परमेश्वर के उद्देश्यों को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने सेवकाय में, अपने समाज में, अपने शहर में, देश में पूरा करते परमेश्वर के लिए चमकना है। वी हैव टू ब्रिंग ग्लोरी टू गॉड्स नेम थ्रू अवर लाइव्स। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। प्रभु यीशु, आपने प्रभु यीशु वचन को अपने दिल के पट्टी में लिखने के लिए और उनको मेमोराइज करके उस पर चलने के लिए आपने कहा था यीशु। अब इस 5:20 सीरीज में प्रभु हमने देखा है कि इस तरह से ये वचन हमें याद हो जाएगी प्रभु यीशु, और इस वचन को हम जाने पहचाने, अपने जीवन में अमल करें प्रभु, और आपके आशीषों का हम वारिस बने प्रभु। हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग का उजाला बने यीशु। तेरे रेवलेशन में, तेरे प्रकाशन में हमें चले प्रभु, ताकि किसी प्रकार के खतरे में हम ना फंसे। यीशु आप हमें मदद कीजिए, हमें सहायता कीजिए पिता। हम एक एक को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन।